छिल्लों ने, मैं रामवारी गोंड का बाशिंदा हूँ। तो ये जो रोड बन गया था लास्ट ईयर, इसमें काम चल रहा था। ये 3000 प्लस किलोमीटर का प्लस मीटर्स का रोड था, लेकिन 2500 या 2600 मीटर्स पे ये रोड बंद हो गया था। उन्होंने काम बंद कर दिया था। उसके बाद आगे उन्होंने थोड़ा काम किया, अर्ली स्टेज में जो अर्थ कटिंग थी इसकी, या रास्ते में जो दरखते वर्ग थी वो काटी और थोड़ी जीएस भी कर दी थी इस पर। लेकिन बाद में जो उन्होंने बाकी जो काम रह गया था इसका, वो कंप्लीट नहीं किया, जिसमें मैग्नेटाइजेशन थी, उन्होंने नहीं की इस पर। तो उसके बाद जब भी हम उनके पास जाते हैं तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि अब विंटर आने वाले हैं, हम मार्च में इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कभी कोई बात के टालते हैं, कभी कहते हैं यहाँ लैंड का इशू है, कभी कहते हैं स्कीम खत्म हो गई है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे इस रोड को कंप्लीट किया जाए और जिसका भी इसमें लैंड आता है उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। सर, मैं शबीर अहमद लोन, ये रामवाड़ी गोंड लोन मालिक का बाशन खान हूँ। सर, जो ये हमारा रोड है सर, ये पिछले 2021 से इसका काम चल रहा था सर। उसके बाद पिछले साल अक्टूबर नवंबर में उन्होंने यहाँ से काम स्टार्ट किया था अर्थ कटिंग की। बराबर 3 किलोमीटर तक अर्थ कटिंग करने के बाद हमें ये आश्वासन दिया कि आपका रोड हम बिल्कुल क्लियर करके दे देंगे 3 किलोमीटर तक, और पेमेंट भी होगी 3 किलोमीटर तक। तो उसके बाद सर उन्होंने क्या किया, जब विंटर में बर्फ़ आ गई तो चले गए मशीन के अपना सारा यहाँ से मशीन वगैरह लेके। उसके बाद जब हम मार्च में डिपार्टमेंट के पास गए, कभी वो बोलते हैं कि ये एक स्कीम ख़त्म हो गई है, कभी बोलते हैं हाँ लैंड इशू है, लेकिन लैंड का कोई इशू नहीं है सर। आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर तक आप देखो कि रोड क्लियर है। ये ऐसे ही बहाने बनाते हैं कि हमें लैंड का इशू है, कोई इशू नहीं है। अब हम आपके माध्यम से या अपने DC साहब से गुजारिश करते हैं कि मसला हल कीजिए हमारा, ताकि हम भी हमें भी मतलब दिन ब दिन प्रॉब्लम ना हो जाए। चलिए, ये जो सुंबल वाला चेकगुंड हमारी पैकेज थी, ये 3 किलोमीटर हमें अप्रूव थी, लेकिन डिस्प्यूट की वजह से वहाँ पे एक ज़मींदार ज़मीन दे रहा था स्कूल के पीछे, वहाँ पे एक स्कूल है, उनको ज़मीन का कोई इशू था, वो हल ही नहीं हो पाया पूरा। यहाँ से हमारा सनसेट डेट था सेप्टेम्बर, और हमें सेप्टेम्बर में एनी हाउ क्लोज करना ही करना था जहाँ तक हो सके, क्योंकि वो डिस्प्यूट अभी तक हल नहीं हुआ है। उसके बाद जब हम मैगडम स्टार्ट करने गए, लोगों ने हमें मैगडम करने नहीं दिया, पूरा बंद किया। फिर हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, PRIs, सरपंच वर्ग में सबको ला के वो मसला, फिर सरपंच वर्पंच ने जो उनकी PRI बॉडी है कि इसको हम आगे फिर अगले किसी अपने फंड में कर देंगे, अभी हम ट्रैक बना देंगे स्कूल के आगे। एक्चुअली हमें स्कूल के आगे से रोड नहीं लेना था, हमारा स्कूल के पीछे से है क्योंकि वो उसका सहन है। उन्होंने फिर अपने लेवल पे वो आगे करके हमने जहाँ तक प्रोग्राम किया है वहाँ पे ही क्लोज़ कर दिया अपना, और वो क्लोज़ हो गई। अब आगे अगर वो अब ज़मीन छोड़ भी देंगे अब वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे फंड्स उसके सारे क्लोज़ हो गए। आगे लैंड फिर से है, लेकिन बीच में जो 50 मीटर वो स्कूल के पीछे वाला लैंड है, डिस्प्यूट उसी में है, वो नहीं छोड़ रहा है ज़मीन। पूरा इतना एफर्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई, वो भी फेल हो गई, वो हो नहीं पाया। आज तक की डेट में भी वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से हमारा सनसेट डेट था सेप्टेम्बर एंड, हमें वो क्लोज करनी पड़ी सेप्टेम्बर में, क्योंकि अब उसके फंड्स अगर वो अब अवेलेबल भी होगी अब वो नहीं हो सकता है इसमें। हमें NRIDA जो हमारी गाइडलाइन है, जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है, जो विद इन 500 मीटर्स है वो स्टैंड्स कनेक्टेड, हमारे गाइडलाइन में माना जाता है कि वो कनेक्टेड है, उनको वो मतलब